हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दो मेन फंक्शन होता है, पहला मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करना और दूसरा उस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 5 मेन फंक्शन होता है, पहला फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस करना, दूसरा स्पर्म को रिसीव करना, तीसरा फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देना, चौथा एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना और पांचवा फीटस को डेवलप करना। अब हम लोगों को ये जानना है कि कौन सा ऑर्गन कौन सा फंक्शन करता है, क्योंकि एग्जाम्स में मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है दो ओवरी से, मतलब वन पेयर ओवरी से, वन पेयर ओविडक्ट और यू कैन से फेलोपियन ट्यूब से, एक यूटेरस से, एक सर्विक्स से और एक वजीना से। चलो अब हर एक ऑर्गन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है ओवरीज। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जिस तरह से मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, उसी तरह से फीमेल में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ह्यूमन में मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है क्योंकि ये मेल गैमेट बनाता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है क्योंकि ये फीमेल गैमेट बनाता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, जिस ह्यूमन में टेस्टिस पाया जाता है वो मेल होता है और जिस ह्यूमन में ओवरी पाया जाता है वो फीमेल होती है। ह्यूमन फीमेल में दो ओवरी पाया जाता है, मतलब एक पेयर ओवरी पाया जाता है और इसका शेप ओवल होता है। ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, किडनी के पास पाया जाता है। मतलब एक ओवरी एक किडनी के पास होता है तो दूसरा ओवरी दूसरा किडनी के पास होता है। एक गर्ल के ओवरीज में जन्म से ही थाउजेंड्स ऑफ एग्स होता है, लेकिन ये एग्स इमैच्योर होता है। आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी, मतलब यौवन अवस्था से, हर महीने एक अंडा मैच्योर होता है और प्रोड्यूस होता है दोनों में से एक ओवरी के द्वारा। मतलब एक मंथ में लेफ्ट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगा तो दूसरे मंथ में राइट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगा, फिर तीसरे मंथ में लेफ्ट, फिर चौथे मंथ में राइट। इस तरह से अल्टरनेट ओवरी हर महीने एक अंडे को मैच्योर करता है और उसको प्रोड्यूस करता है। ये ओवरीज एग प्रोड्यूस करने के साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन ऑयस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है। ऑयस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन भी कहते हैं। ऑयस्ट्रोजन ब्रिटिश इंग्लिश है एंड एस्ट्रोजन अमेरिकन इंग्लिश है। जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल हार्मोन्स पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को पढ़ा है। एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर एग फॉर्मेशन को प्रमोट करता है एंड फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। चलो अब डायग्राम में ओवरीज को देखते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, और ये जो ओवल शेपेड स्ट्रक्चर है ये है ओवरीज। ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास पाया जाता है। ओवरीज के अंदर एग्स बनता नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ एग जन्म से ही ओवरी के अंदर रहता है। प्यूबर्टी के बाद हर महीने एक ओवरी से एक एग मैच्योर होता है और प्रोड्यूस होता है। अगर एक महीने राइट ओवरी से एक एग प्रोड्यूस हुआ तो दूसरे महीने लेफ्ट ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होगा, तीसरे महीने फिर राइट ओवरी से, चौथे महीने फिर लेफ्ट ओवरी से। इस तरह से हर महीने एक एग मैच्योर होता है और प्रोड्यूस होता है। इस तरह एक ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर से लेकर के 50 ईयर तक एक एग को मैच्योर करती है एंड प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ। एंड आफ्टर 50 जब उसके ओवरी का एग खत्म हो जाता है तो फिर वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ
ह्यूमन मेल के टेस्टिस में प्यूबर्टी के बाद लाइफ लॉन्ग स्पर्म बनता है। मतलब एक फीमेल पर्टिकुलर एज तक ही रिप्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि उसके पास फिक्स नंबर ऑफ एग होता है। एग खत्म हो जाने के बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मतलब रख लो ऑलमोस्ट 50 के आसपास तक वो रिप्रोड्यूस कर सकती, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन एक मेल प्यूबर्टी के बाद से लाइफ लॉन्ग तक रिप्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। चलो वापस अब ओवरी पे आ जाते हैं। ओवरी के अंदर जब एक एग मैच्योर हो जाता है तो उस एग को ओविडक्ट अपने अंदर ले लेता है। ओविडक्ट को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। चूंकि दो ओवरी है तो दो फेलोपियन ट्यूब भी होता है। जब एग सेल मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर एग को ओविडक्ट लेता है और उसको यूटरस तक पहुंचाता है। वैसे तो ओविडक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ओवरी के पास आकर के ये फनल शेपेड हो जाता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्री कहते हैं। ये फिंगर लाइक फिम्ब्री ही ओवरी से मैच्योर एग को खींच करके फेलोपियन ट्यूब में लाता है। सिंपली इतना याद रखो कि ओवरी के बाद एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एग्स को ओवरी से यूटरस तक ले जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये फेलोपियन ट्यूब ही फर्टिलाइजेशन का जगह होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। फेलोपियन ट्यूब दैट इज ओविडक्ट दो होता है और ये दोनों ओविडक्ट जाकर मिल जाता है एक इलास्टिक पियर शेपेड बैग लाइक स्ट्रक्चर से। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही यूटरस कहते हैं। यूटरस को वूम्ब भी कहते हैं। यूटरस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है और फीटस का डेवलपमेंट भी यूटरस में ही होता है। यूटरस के नैरो और लोअर पोर्शन को सर्विक्स कहते हैं जो वेजिना में जाकर खुलता है। डायग्राम में देखो, ये पियर सेपेट बैग लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर ही यूटरस है। यूटरस के अपर पोर्शन में दो ओविडक्ट आकर मिला है और इसका जो लोअर नैरो पोर्शन है, इस नैरो पोर्शन को सर्विक्स कहते हैं। यूटरस में ही एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और फीटस का डेवलपमेंट होता है। फीमेल बॉडी में यूटरस रेक्टम और यूरिनरी ब्लडर के बीच में होता है और यूटरस का जो लोअर और नैरो पोर्शन होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स आगे एक्सटेंड हो जाता है एक मस्कुलर ट्यूब में। इस मस्कुलर ट्यूब को वेजिना कहते हैं। वेजिना के आगे जो स्ट्रक्चर होता है इसको वॉल्वा कहते हैं। वॉल्वा हमको दिखाई देता है, ये एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है। वेजिना तक हम लोगों को दिखाई नहीं देता, ये बॉडी के अंदर होता है, लेकिन वॉल्वा बॉडी के बाहर होता है, ये हम देख सकते हैं। वॉल्वा हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, ओके। वॉल्वा में दो ओपनिंग होता है, ऊपर की तरफ एक ओपनिंग, नीचे की तरफ एक ओपनिंग। ऊपर वाला ओपनिंग यूरेथ्रा के लिए होता है और नीचे वाला ओपनिंग वेजिना के लिए होता है। सो वॉल्वा एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो हम देख पाते हैं, और वेजिना मस्कुलर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन है जो सर्विक्स से एक्सटेंड हुआ है। इसका काम है स्पर्म को रिसीव करना और ये बर्थ कैनल की तरह भी काम करता है। देखो, सर्विक्स के बाद जो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको वजीना कहते हैं। वजीना स्पर्म को रिसीव करता है और ये बर्थ कैनल की तरह भी काम करता है। बर्थ कैनल की तरह काम करता है मतलब बच्चा इसी रास्ते से बाहर निकलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स को समझ गए, अब समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कैसे होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मतलब फर्टिलाइज्ड एग दैट इज जायगोट कैसे डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो जाता है फीटस में एंड चाइल्ड में। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन को पहले समझते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूज करके जायगोट बनाना। अगर डेफिनेशन पूछता है फर्टिलाइजेशन का तो लिखोगे फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट टू फॉर्म जायगोट। देखो, ह्यूमन बीइंग में फीमेल गैमिट एग होता है और मेल गैमिट स्पर्म होता है।
ओवरी के अंदर एक एग मैच्योर हुआ और इस एग को ओविडक्ट अपने अंदर ले लिया। इस एग के पास स्पर्म को आना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। अब स्पर्म एग के पास कैसे आता है ये समझते हैं। जब पापा का पेनिस मम्मी के वेजाइना के अंदर जाता है तो इसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं या फिर कोपुलेशन कहते हैं। हम लोग थोड़ी देर पहले समझे हैं कि वॉल्वा वो ऑर्गन है जो बाहर से दिखाई देता है, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है। इसमें दो ओपनिंग होता है, अपर ओपनिंग यूरेथ्रा के लिए होता है और लोअर ओपनिंग वजीना के लिए होता है। पापा का पेनिस लोअर ओपनिंग से वजीना के अंदर जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वजीनल पैसेज में सीमेन रिलीज कर देता है। इस सीमेन के अंदर बहुत सारा स्पर्म होता है और ये बहुत सारा स्पर्म्स स्विम करते हुए सर्विक्स से गुजरता है, फिर यूटेरस से गुजरता है और यूटेरस से होते हुए ओविडक्ट में आ जाता है ओवम के पास, एग के पास। ओवम के पास स्विम करते हुए बहुत सारा स्पर्म आ जाता है लेकिन एग के साथ फ्यूज करता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म। और जब एक स्पर्म सक्सेसफुली फ्यूज हो जाता है एग के साथ तो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, मतलब जायगोट बन जाता है। इस फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइज्ड एग को जायगोट कहते हैं। अभी हम लोग ये समझे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म एंटर करता है वेजिनल पैसेज के थ्रू ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये स्पर्म्स स्विम करता हुआ यूटरस के अंदर जाता है थ्रू सर्विक्स और यूटरस से पहुंच जाता है ओविडक्ट में जहां पे ओवम है, जहां पे एग है। ओविडक्ट में एग के पास बहुत सारा स्पर्म पहुंचता है लेकिन फ्यूज सिर्फ एक ही स्पर्म करता है जायगोट बनाने के लिए। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया, एग फर्टिलाइज्ड हो गया, जायगोट बन गया। जायगोट वन सेल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप होगा फीटस में, फीटस डेवलप हो जाएगा चाइल्ड में। मतलब हर इंसान अपना लाइफ एक सेल से स्टार्ट करता है और इस डेवलपमेंट को ही हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर पढ़ते हैं। ओविडक्ट के अंदर अब वन सेल स्ट्रक्चर जायगोट है। ये जायगोट बना हुआ है 46 क्रोमोसोम से। मेल गैमेट स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होता है, फीमेल गैमेट ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होता है। ये दोनों गैमेट जब मिल जाता है तो बन जाता है 46 क्रोमोसोम का वन सेल स्ट्रक्चर जायगोट। अब इस जायगोट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होगा, तो वो कैसे होगा? इस जायगोट के अंदर रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होगा और ये वन सेल स्ट्रक्चर बदल जाएगा बहुत सारे सेल्स के एक बॉल में। इस बॉल को एम्ब्रियो कहते हैं। देखो, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनेगा, दो सेल डिवाइड होकर चार सेल बनेगा, चार सेल डिवाइड होकर के आठ सेल बनेगा, फिर डिवीजन होगा 16 सेल बनेगा और इस तरह से डिवाइड होते होते एम्ब्रियो जो है वो 200 से 300 सेल तक का बन जाता है और इतना होने में 5 से 6 दिन लगता है। 5 से 6 दिन तक एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होता रहता है और ओविडक्ट एम्ब्रियो को आगे बढ़ाता रहता है। 6 दिन के बाद जब ये एम्ब्रियो 200 से 300 सेल का बन जाता है तो इस एम्ब्रियो को यूटरस में पहुंचा दिया जाता है और ये एम्ब्रियो यूटरस के वॉल में जाकर फिक्स हो जाता है, यूटरस के वॉल में जाकर एम्बेडेड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एम्ब्रियो का यूटरस के वॉल में एम्बेडेड होना ही, फिक्स होना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है एंड दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के बाद भी एम्ब्रियो के अंदर ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, धीरे धीरे उसमें सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये फीटस में बदल जाता है। देखो बहुत आसान है, जायगोट जो कि वन सेल स्ट्रक्चर है इसके अंदर रिपीटेडली डिवीजन होता है और ये बहुत सेल का एक बॉल बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ये एम्ब्रियो यूटरस के वॉल में जाकर फिक्स हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद भी एम्ब्रियो में ग्रोथ कंटिन्यू रहता है और एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो जाता है और एम्ब्रियो बदल जाता है फीटस में।
ग्रोइंग एम्ब्रियो को मदर्स के बॉडी से न्यूट्रिशन मिलता है एक स्पेशल टिश्यू के द्वारा। उस स्पेशल टिश्यू को प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा को हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी, उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि जायगोट एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है। जायगोट वन सेल स्ट्रक्चर होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और इस जायगोट में जब रिपीटेडली डिविजन होता है तो बहुत सारे सेल का एक बॉल बन जाता है, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। इस एम्ब्रियो में जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो ऑर्गन्स बन जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाता है, और ये बेबी के तरह दिखता है। इस स्ट्रक्चर को फीटस कहते हैं। प्लासेंटा एक डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यूटरिन वॉल मतलब यूटरस का वॉल और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन बनाता है। प्लासेंटा में बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली होता है, और ये विली एम्ब्रियो साइड में होता है। मदर साइड में दैट इज यूटरस वॉल के तरफ में ब्लड स्पेस होता है, मतलब विली जो होता है वो ब्लड स्पेस के अंदर घुसा हुआ होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो ब्लड स्पेस विली को घेरे हुए होता है। प्लासेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड का डायग्राम देख लो पहले, तब बहुत अच्छे से समझ सकोगे। देखो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये है प्लासेंटा, और प्लासेंटा से जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला है और फीटस के नेवल तक गया है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अब इस पिक्चर में प्लासेंटा को ध्यान से देखो। प्लासेंटा में जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पर्पल कलर से दिखाया गया है यही है प्लासेंटा का विली। देखो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ये इसको मदर्स बॉडी से मिलता है थ्रू प्लासेंटा। और एम्ब्रियो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालना होगा, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट प्लासेंटा के थ्रू मदर्स बॉडी में चला जाता है और मदर्स बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। मतलब एम्ब्रियो और मदर्स बॉडी के बीच में न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है थ्रू प्लासेंटा। और इस एक्सचेंज के लिए विली लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करता है। फीटस डायरेक्टली प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता, प्लासेंटा से एक लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है। ये लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ही प्लासेंटा को फीटस के साथ में जोड़ता है, इस स्ट्रक्चर को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। प्लासेंटा से तो मटेरियल एक्सचेंज होता ही है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए होता है। इस तरह से मदर के वूम में, मदर के यूटरस में चाइल्ड डेवलप होता है, और इस डेवलपमेंट को अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ लगता है। आफ्टर 9 मंथ जब फीटस मैच्योर हो जाता है तो यूटरस में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही चाइल्ड का बर्थ होता है। देखो जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है यूटरस के अंदर तो यूटरस के वॉल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से चाइल्ड बाहर निकलना शुरू करता है। पहले सर्विक्स से बाहर निकलता है, वेजिना में आता है, फिर वेजिना से आगे बढ़ते हुए वॉल्वा के लोअर ओपनिंग से बाहर आ जाता है, और इस तरह से एक न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है। और ये तब होता है जब एग फर्टिलाइज होता है, और जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।